हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल। तो लास्ट लेक्चर जो हमने मेट्रोलॉजी का किया था, आई थिंक आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा, उसको स्टडी कर लिया होगा। उसमें मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी करवाया था, ठीक है जी। एंड देन फर्दर हमने उसके बाद आपको करवाया था इसका एप्लीकेशन कौन कौन से फील्ड में होता है, जिसमें कि हमने इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी और डायनामिक मेट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया था। देन फर्दर देखिए, उसके आगे हमने किया था ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या कुछ हैं मेट्रोलॉजी के। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आई होप आप सबको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ फिर भी समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी, ओके। तो आज आगे फर्दर चलते हैं, लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, तो आगे आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स। आप मेजरमेंट्स करते हो तो उसमें स्टैंडर्ड क्या कुछ अप्लाई करते हो। स्टैंडर्ड से यहाँ मीन्स है बेसिकली आपका बस आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, ठीक है। देखिए, अ स्टैंडर्ड इज़ डिफाइंड एज समथिंग विच इज़ सेटअप एंड एस्टैब्लिश बाय अथॉरिटी एज ए रूल फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो भी सेटअप आपके पास है, किसी अथॉरिटी ने दिया है जो एज ए रूल, क्या आपने इसके साथ ही मेजर करना है, जो रूल बना हुआ है उसके साथ जो आप मेजरमेंट करते हो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ओके। The objective of standard is to support the system which make uniform measurement throughout the world and help to maintain interchangeability in mass production. ठीक है, तो mass production करना होता है, mass production means क्या होता है, large level पर चीज़ों को बनाना होता है, किसी एक खास वस्तु को large level पर बनाना होता है, उसको बोलते हैं mass production। उसमें आपने standard के साथ एक चीज़ को measure कर लिया, आपको लग गया पता वो accurate बनी है, तो आपका जो है mass production है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। मीन्स आप लार्ज लेवल पे इसको तैयार कर सकते हो। अब देखिए, इसमें हम स्टैंडर्ड कौन कौन से यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें ये दो स्टैंडर्ड चलते हैं आपके पास, पहले दो, थर्ड वेवलेंथ इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, ये फर्स्ट दो ही हम यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे। एक है लाइन स्टैंडर्ड, एक है एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब लाइन स्टैंडर्ड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं ड्राॅइंग करके आए हो, या सिंपली आप टेंथ लेवल पर भी कोई बच्चा है, तो वो जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते थे, कोई ड्राइंग तैयार करते थे आप, तो क्या करते थे, एक लाइन वहाँ पे लगाते होते थे विद द हेल्प ऑफ आपका स्केल, ठीक है ना, स्टील रूल भी बोल देते हैं उसको, जनरल जो स्टील के बना होता है या प्लास्टिक का आपके पास होता था। तो उसमें आप सिंपली मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपका लाइन स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है ना। और ये एंड स्टैंडर्ड आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे, यहाँ पर लिखा क्या इसका डेफिनेशन प्रॉपरली। उसके बाद है एंड स्टैंडर्ड। अब एंड स्टैंडर्ड में क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेनिस का बॉल है मान लीजिए, ठीक है, या राउंड शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसमें आप लाइन स्टैंडर्ड तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो जो आपके पास सर्कुलर शेप, राउंड शेप होगा, जैसे जो बॉल वगैरह होगा, उसमें आपका एंड स्टैंडर्ड काम में आएगा। इसमें क्या होगा, आपके पास एक वर्नियर कैलिपर होता है, आपको दिखा देता हूँ कैसा रहता है उसका डायग्राम। ये देखिए, ये माइक्रोमीटर हो गया आपके पास, ये वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है ना। अब ये राउंड शेप वगैरह को, जब आपने राउंड शेप होती है, जब एंड टू एंड काम करना है उसके लिए ये काम में लेके आते हैं, ये दो इसके एंड हैं, ठीक है ना, ये फ्लैट एंड है, ऊपर में देखिए रूल बना हुआ है, ठीक है ना, स्केल बना हुआ है ऊपर में, और नीचे में ये दो जो दे रखे हैं जा, बेंट जा लिखे हैं ना, ये जो जा होते हैं, जो ये लेफ्ट वाला जा है ये फिक्स जा होता है, जो राइट वाला है ये मूवेबल जा होता है। तो आपने जब भी कोई राउंड शेप, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टेनिस बॉल का यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था, आपने उसका डायमीटर पता करना है, तो आप इनके बीच में इसको रखोगे और जो ये मूवेबल है इसको आप टाइट कर दोगे, तो उसके साथ में जो मेजरमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं एंड स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जब एंड टू एंड यहाँ पर लिया जाता है वो आपका एंड स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए, वापस डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब लाइन स्टैंडर्ड देखिए, When the length is measured as the distance between center of two engraved line, it is called line standard, ठीक है ना। बस सिंपल था, क्या बात है, इसमें दो पॉइंट लगा लिए आपने, उन दोनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस देख रहे हो, उसको बोलते हैं लाइन स्टैंडर्ड, ओके, इट इज़ कॉल्ड लाइन स्टैंडर्ड। यार्ड एंड मीटर्स आर द लाइन स्टैंडर्ड, ये एग्जाम्पल दे दिया है, यार्ड हो गया, मीटर हो गया, ये आपके लाइन स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल हैं, ओके। देन उसका आपका नेक्स्ट आ गया एंड स्टैंडर्ड, ठीक है।
अब मेरे को लगता नहीं आपको ये लाइन स्टैंडर्ड में कोई डाउट होगा, ठीक है ना। सिंपल था फंडा है लाइन स्टैंडर्ड का, कोई भी दो पॉइंट आपने बना लिया उनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, वो आपका लाइन स्टैंडर्ड हो गया। ओके, देन आपके पास आ गया है एंड स्टैंडर्ड। दीज आर द स्टैंडर्ड्स इन विच द लेंथ इज एक्सप्रेस एज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल फेसेस। वही आ गया, आपके पास दो पैरेलल फेसेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपके पास हो गया एंड स्टैंडर्ड में। इसमें आपका एक फिक्स जा आएगा, एक मूवेबल जा आएगा, ठीक है, उनके बीच में आप बॉडी को रखोगे और वो आपका फ्लैट फेसेस होगा, उनके बीच का जो गैप होगा वही आपका यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगा जो हम मेजर कर रहे हैं। ओके, मॉडर्न एंड स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टील। ये वही आगे आपको नीचे मैंने दिखाया था ना, वर्नियर कैलिपर जो स्टील के बने होते हैं। द फेस आर लैप्ड फ्लैट एंड पैरेलल एंड साइज इज आल्सो कंट्रोल्ड वेरी एक्यूरेटली। जो फेसेस हैं वो आपके वहाँ पे फ्लैट थे, बिल्कुल आपको दिखाया था मैंने। द एंड स्टैंडर्ड आर हाईली एक्यूरेट। जो ये एंड स्टैंडर्ड हैं ये हाईली एक्यूरेट होते हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। एंड आर यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट्स, ठीक है ना, बहुत बहुत वहाँ पे कम आपके पास एरर रहे, प्रिसाइज आपके पास मेजरमेंट आए वहाँ पे इसको काम में लेके आते हैं। द डायमेंशनल टॉलरेंस एज स्मॉल एज 0.005 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज़ ऑफ एंड स्टैंडर्ड। अब ये डायमेंशनल टॉलरेंस यहाँ पे बोला गया है आपको 0.005, इसका मीन्स क्या हुआ? अभी तक आपने सिंपल स्केल देखा होता है, स्केल के ऊपर जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं एक लाइन से दूसरी लाइन जो होती है उनके बीच में जो गैप होता है आपका वो 1 mm का गैप होता है। अब ये देखिए 0.005 mm कितना छोटा हो जाएगा, मीन्स इतनी एक्यूरेसी के साथ में आपको वो रिजल्ट देता है, इतने स्मॉल आपके पास डायमेंशनल टॉलरेंस के साथ वो काम करता है वहाँ पे, मीन्स फुल एक्यूरेसी होती है इसमें। एंड बार्स एंड स्लिप गेट्स आर एग्जांपल ऑफ एंड। ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको आगे फर्दर चैप्टर्स में आएंगे, वहाँ पे इनको डीपली आपको मैं स्टडी करवाऊँगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के बारे में पता लग गया होगा। ओके, देन आगे देखिए इनके बीच में डिफरेंसेस होगा। ये देखिए एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए लाइन स्टैंडर्ड क्या करता है, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है ना। दो पॉइंट लगा लिया आपने सेंटर टू सेंटर, उनके बीच का जो गैपिंग है उसको मेजरमेंट करने के लिए लाइन स्टैंडर्ड काम में लेके आते हैं। देन एंड स्टैंडर्ड आ गया, लेंथ इज एक्सप्रेस एज ए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट सर्फेसिस। इसमें क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है दो पैरेलल फ्लैट सर्फेसिस के बीच में मेजर करते हैं, ये आपका एंड स्टैंडर्ड हो गया। देन एक्यूरेसी, जो लाइन स्टैंडर्ड है इसमें आपको एक्यूरेसी कम मिलती है, देखिए लेस एक्यूरेट लिमिटेड अप टू प्लस माइनस 0.2 mm टॉलरेंस। इसमें प्लस माइनस 0.2 mm टॉलरेंस चलता है, मीन्स थोड़ा बहुत यहाँ पे एरर आपका रहता है, ये लेस एक्यूरेट होते हैं। बट जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है जो एंड स्टैंडर्ड हैं इनका एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है। देखिए ये हाईली एक्यूरेट हैं, इनमें टॉलरेंस आपके पास 0.001 mm तक आ सकता है, देखिए 0.001, ठीक है ना। ये नेक्स्ट पैरेलल एक्सेस एरर इट इज़ ऑब्जर्व इन लाइन स्टैंडर्ड। अब पैरेलल एक्स एरर क्या होता है, अब जब आप मेजरमेंट कर रहे हो पैरेलल एक्सेस का, आपको मैं आगे दिखाता हूँ एरर के अंदर। ये देखिए जैसे डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है ना, इसके साथ रोमन लेटर में जो 1, 2, 3 लिखा है ना, देखिए नीचे में 3 लिखा हुआ है जहाँ पे। अब अगर आप 3 पॉइंट से देखोगे तो बिल्कुल पैरेलल आप देख रहे हो तो आपको रीडिंग सही मिलेगा, बट आप अगर फर्स्ट पॉइंट से देखोगे साइड सेकंड पॉइंट से देखोगे तो आप इसके पैरेलली शो देख रहे तो आपको क्या है रीडिंग हमेशा गलत मिलेगा। क्योंकि जब भी आप लाइन खींचते थे स्केल के साथ में तब भी क्या था, अगर आप बिल्कुल सामने से उसको देखते थे तो जितना आपने लाइन खींचा है जहाँ तक खींचा है वो पॉइंट तक आपको डिस्टेंस सही दिखता था, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा लेफ्ट होके देखते थे राइट होके देखते थे तो वो 1 mm 2 mm आपको आगे पीछे ही दिखता था। तो मीन्स अगर आपको प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो आपको वहाँ पर पैरेलल रहना पड़ेगा, उसको पैरेलल एक्सेस एरर बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका लाइन स्टैंडर्ड के केस में होता है पैरेलल एक्सेस एरर, ठीक है ना, बिकॉज ये आपको तभी आपको रीडिंग लाइन खींचना है तभी आपने वहाँ पे रीडिंग लेना है। लेकिन एंड स्टैंडर्ड में क्या है, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, आप बॉडी को निकाल के उसके बाद में उसका रीडिंग लेते हो तो आपका रीडिंग तब भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। नो पैरेलल एक्सेस एरर इज ऑब्जर्व एज इट डिपेंड ओनली ऑन द सेंस ऑफ फील। यहाँ पर कोई ऐसा एरर यहाँ पर नहीं काम में आता। देन अलाइनमेंट फोर्थ पॉइंट, नॉट ईजली अलाइन ईजली अलाइंड। अब लाइन स्टैंडर्ड में क्या है, स्केल के साथ आपको लाइन आपने मार लिया वहाँ पे घिस लिया है लगा लिया है तो आपको स्केल वहाँ पे रखना पड़ेगा तभी आपको लगेगा पता वो कितना है, ठीक है ना। अगर स्केल थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो गया तो आपका रीडिंग गलत हो जाएगा। लेकिन एंड स्टैंडर्ड के केस में जैसे कि आपको मैंने दिखाया था वहाँ पर वो रीडिंग फिक्स हो जाती है तो आप उसको कभी भी ले सकते हो वहाँ से रीडिंग, ठीक है ना, ईजली अलाइन हो जाता है वो। ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट, लाइन स्टैंडर्ड में आपको टाइम कम लगता है
एंड स्टैंडर्ड में टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें क्या है, लाइन स्टैंडर्ड में क्या है, सिंपली जिसका मेजरमेंट करना है उसके पैरेलल में आप अपना स्केल रखोगे आपको रीडिंग मिल जाएगा। बट एंड स्टैंडर्ड में क्या है, वही आपको पहले जो मूवेबल जहाँ होता है उसको आपको वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाता है। कॉस्ट लाइन स्टैंडर्ड सस्ते होते हैं, स्केल देख लीजिए आप 2-3 रुपये का, 5 रुपये का, हार्डली 10 रुपये तक आ जाता है। और जो एंड स्टैंडर्ड है इनमें जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं ये कॉस्टली रहते हैं, तो इनका कॉस्ट हाई होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है लाइन स्टैंडर्ड को उसमें सिंपल होता है, स्केल बनाना है सिंपली बन जाता है। लेकिन एंड स्टैंडर्ड में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट लगे होते हैं तो उसको बनने में प्रोसेस कम्प्लेक्स लगता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया आपका लाइन स्टैंडर्ड और आपका एंड स्टैंडर्ड के अंदर में। ओके, देन आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ एरर हैं, अगर आप मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं करोगे तो कुछ एरर आएंगे, तो वही आपके पास यहाँ पे है। टाइप्स ऑफ एरर, कंट्रोलेबल एंड रैंडम एरर। इसमें 2-3 आपको मैं एरर समझाऊंगा, बाकी आपके ग्रुप में मैं PDF डाल दूंगा। ईजी ही है, इसको स्टडी करिएगा, समझ में ना आए तो मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर। अब जनरली क्या है, आपको पता था किसी चीज़ का रीडिंग इतना है, आप फिर उसको माप रहे हो कि वाकई वो सही है, लेकिन जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसका वैल्यू उतना नहीं आ रहा, मीन्स कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो जो ट्रू वैल्यू है, और जो आपने ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं, ट्रू वैल्यू जो उसका एक्चुअल में रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू है, लेकिन जो आप मेजर करते हो उसको ऑब्जर्व वैल्यू बोला जाता है। अब अगर ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू मीन्स आपके द्वारा मापी गई उसकी मात्रा, अगर आपका और उसका ट्रू वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू अगर बराबर आ गया है फिर तो वहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपके द्वारा मापा गया वहाँ पे जो उसका डायमेंशन है वो कम या ज़्यादा आ रहा है ट्रू वैल्यू से, तो वो आपका यहाँ पे एरर कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए एरर इज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर। देखिए फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। वही है, मेजर्ड वैल्यू आपने मेजर की, ट्रू वैल्यू जो उसका सही में साइज था, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है आपका वो एरर कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब एरर आपका यहाँ पे दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्यू ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना। ये डिफरेंस हो गया, ये सिंपल एरर का जो फार्मूला है यही आपका बेसिकली एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। देखिए एब्सोल्यूट एरर इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्यू ऑफ कंपैरिजन। इट इज ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन। इफ वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इज ट्रू वैल्यू देन दिस एरर इज नोन एज ट्रू एब्सोल्यूट एरर, एंड इफ द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इज अरिथमेटिकल मीन इट इज नोन एज अपेरेंट एब्सोल्यूट एरर। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, दो तरीका कैसे बोला है, आपने एक बार मेजर किया और जो एरर आपका डिफरेंस था वो आपने लिख लिया, तो वो आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ट्रू एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि आपने एक बार ही मेजर किया। लेकिन आप अगर रिपीटेबल इसको मेजर करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो रीडिंग आप 3-4 बार लेते हो, आपने 3-4 बार रीडिंग लिया, उसका आपने मीन ले लिया, मध्य महान ले लिया, ठीक है ना, तो उसको रख के जो आपने वैल्यू निकाला है तो वो आपका कहलाता है अपेरेंट एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ये दो तरीके का हो गया आपके पास एब्सोल्यूट एरर। देखिए ट्रू एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एंड अपेरेंट एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस अरिथमेटिकली मीन। अब यहाँ पे मीन वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना, कि बार बार हमने मेजर किया लेकिन हमारा तो आंसर क्या है, इतना ही उनका जो एवरेज ले लिया कि इतना आ रहा है, तो उसके साथ उसका गैप पता लग जाएगा आपका एरर का, कितना एरर वहाँ पे आपका है। देन नेक्स्ट आ गया आपके पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इसमें क्या है, एरर के साथ में कंपैरिजन करेंगे। देखिए रिलेटिव एरर इज द कोशियंट ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एंड द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन। द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन मे बी ट्रू वैल्यू और अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट। इनमें जनरली आप फार्मूलास याद रखिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर फार्मूला आप वहाँ पे लिख किया होगा, ठीक है। देखिए रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट एरर आप ऊपर निकाल के आए हो, आपका कितना एरर आया है वो लिख लोगे आप, उसको डिवाइड कर दोगे ट्रू वैल्यू के साथ में जो सही रीडिंग था, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये आपका परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका वहाँ पे जो रिलेटिव एरर है वो कितना है। ओके, देन आगे इसका डिफरेंट टाइप्स है वो देखिए, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब पहले हमने इनको यहाँ पे डिफरेंट टाइप दे रखा है, उसके बाद में उसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका हम यहाँ पे अच्छे से। ओके, तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपके पास, स्टैटिक एरर है। स्टैटिक एरर में आगे डिवाइडेशन किया गया है, रीडिंग एरर, करेक्टरस्किट्स एरर एंड एनवायरमेंटल एरर, देन लोडिंग एरर है, देन डायनामिक एरर है। डायनामिक में आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, और सिस्टमेटिक के आगे टाइप्स हैं कैलिब्रेशन, एम्बिएंट एरर ड्यू टू स्टैकलेस प्रेशर और अवॉइडेबल एरर्स, ठीक है ना। इसमें से कुछ हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई करके करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या था, स्टैटिक एरर था। इसमें क्या है, रीडिंग एरर, आप रीडिंग देख रहे हो, आप रीडिंग गलत ले रहे हो तो जो एरर आएगा उसको रीडिंग एरर बोल देंगे, ठीक है ना। देखिए अब दीज एरर विच आर ड्यू टू इम्परफेक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स एज कम्पेयर टू द आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड स्टैटिक एरर। क्या समझे इस लाइन से, इस लाइन का मीन्स है जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो रीडिंग के लिए वो आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, फॉल्टी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने स्केल ले लिया, वो आगे से हल्का सा टूटा हुआ था, ठीक है ना, तो वो क्या है आपका इम्परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो जो रीडिंग देगा वो हमेशा गलत ही देगा, ओके। तो उसमें देखिए अब क्या कुछ आएगा, सबसे पहले रीडिंग एरर आ गया, ये वही आ गया। आपको डायग्राम देखिए यहाँ पे, मैंने आपको समझाया था ना पैरेललेक्सिस, पैरेललेक्सिस मीन्स आपको पैरेलल रह के ही रीडिंग यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखिए दीज आर द एरर्स विच आर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द रीड आउट डिवाइस, मीन्स आपको डिवाइस को रीड आउट करना ही नहीं आ रहा। दीज एरर इंक्लूड पैरेललेक्स एरर एंड इंटरपोलेशन एरर, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको ऊपर पैरेललेक्सिस एरर के बारे में बताया था, ठीक है ना। देन सेकेंड आपके पास है करेक्टरस्किट्स एरर, द डिविएशन ऑफ द आउटपुट ऑफ मेजरिंग सिस्टम फ्रॉम द नॉमिनल परफॉर्मेंस आर कॉल्ड करेक्टरस्किट्स एरर। इसमें क्या रहता है, देखिए इसमें क्या है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सपैंड कर जाता है हल्का सा ड्यू टू इलास्टिसिटी। देखिए द डिविएशन ऑफ द आउटपुट ऑफ मेजरिंग सिस्टम, जो आउटपुट आपका आना था वही आपका वहाँ से डिविएट हो गया है, मीन्स क्या है उसमें क्या है आपका जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें ही चेंजेस आ गया है विद टाइम, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम करेक्टरस्किट एरर। देन एनवायरमेंटल एरर, दीज एरर विच आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑन मेजरिंग सिस्टम आर कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर। अब जैसे आपने फीवर मापना है, थर्मामीटर है, ठीक है ना, अगर उसको आप हॉट कंडीशन से उठाओगे पहले ही वो हीट अप होगा तो आपको एरर गलत, जो आपका मेजरमेंट है वो गलत आएगा। देखिए the error which are due to effect of surroundings on measuring system are called environmental error. These surrounding parameters may be temperature, pressure, humidity, magnetic field, electric field or vibration. ये सब उसके ऊपर अफेक्टेड करते हैं, तो जो तब एरर आएंगे उनको बोलेंगे environmental errors. Then loading error, loading error are due to deformation of soft component under contact pressure of measuring instrument. अब इसका देखिए डायग्राम दिखा रखा है, अब ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, ये आपका फिक्स रहता है, जो राइट वाला है ये आपका मूवेबल करता है। यहाँ पे देखिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। जो डॉटेड लाइन है जा आपका पहले यहाँ पे था, इसको जा बोल देते हैं, JAW, ठीक है ना। तो जा आपका पहले यहाँ पे था, आपने इसके बीच में कोई बॉडी लगाया जिसका आपने मेजरमेंट करना था, आपने प्रेशर ज़्यादा डाल दिया, ठीक है ना। तो जा आपका जो अब सॉलिड लाइन दिखा रखा है ना, जहाँ पे लिखा हुआ ना एरर ड्यू टू बेंट जा, तो आपका जो जा था वो एक्सपेंड हो गया है, आगे चला गया है, शिफ्ट हो गया है, बेंट हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे एरर को बोलते हैं लोडिंग एरर, मींस आप जब वहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को लोड कर रखा था, आपने प्रेशर ही इतना ज़्यादा डाल दिया कि वो डिफॉर्म हो गया बॉडी आपका। लोडिंग एरर आर ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कंपोनेंट अंडर कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो गया लोडिंग एरर, ओके। देन डायनामिक एरर, ये डायनामिक एरर आपने खुद पढ़ना है क्योंकि ये ईजी है, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन वाला काम नहीं है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर टेम्परेचर जो एटमोसफियरिक रीजन्स हैं उनके कारण ही होता है, ठीक है ना। तो इनको आपने स्टडी करना है, एक ये कंपैरिजन हो गया प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के बीच में, ठीक है ना। और एक लास्ट वाला एरर आपको मैंने बोला है, ठीक है ना, ये डायनामिक एरर, इसको स्टडी कीजिएगा। आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ ग्रुप के अंदर में, इसको सेल्फ स्टडी कीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देखिएगा, आपको मैं वीडियो लेक्चर के साथ साथ में ये PDF भी ग्रुप में डाल रहा हूँ, ओके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय बाय।